सशस्त्र कांग्रेस सुजेशन दोनों को क्या कहने चाहेंगे शो के बारे में? और जी भास्कर काफी डिफरेंट है, ट्रेलर भी देखा तो काफी डिफरेंट लगा है। ओके थैंक यू सबसे पहले तो, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शूटिंग करते वक्त भी बहुत मज़ा आया बिकॉज एक फन स्टोरी है, और ऐसी बहुत कम स्टोरीज बनती हैं जहाँ पे कि लोग एक एक आदमी की वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यू नो यूजुअली हम पोर्ट्रे करते हैं दैट वो बड़े स्ट्रांग हैं, बट कहीं ना कहीं हम सब लोग अंदर से वीक भी होते हैं। आई थिंक दैट्स वॉट I was able to relate with Bhaskar, that he's still like quite sensitive and very very flawed, and like as we all are. So yeah, it was a fun experience working for it, and a beautiful script written by Manish and Ajay, and it's out now. So this is like a dream project for everyone of us, and it's like very special. And Virgin Bhaskar special इसलिए है और different है क्योंकि इसकी story काफी different है. It's about the virginity of the guy who falls in love with a girl. और उन दोनों की love story में बस एक ही problem होता है, the guy's virginity. But still, वो उस चीज़ को हटा के आगे बढ़ के, मतलब प्यार में आप जब रहते हो ना, आप किसी की कमी नहीं देखते. So that's what is good about, I mean, about this entire thing. और इसके अलावा या इट वाज गुड एक्सपीरियंस लाइक शूटिंग इन बनारस. सबको बनारस बहुत अच्छा लगता है और बनारस की फील दो एक्सेंट जो उन्होंने पकड़ा था हम सब ने, लाइक एवरीबडी, मिश्रा जी, रोहन, मैं, एवरीबडी, तो सारे एक्सेंट पकड़ के वो बनारसी टोन लाना वो मजा आ रहा था. इवन आई थिंक बनारस बिकेम वन ऑफ द वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर इन द शो. लाइक अगर आप देखें तो पूरे मतलब वो सारे कैरेक्टर्स के साथ साथ बनारस इन इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर इन द शो. शॉट्स भी देखोगे ना आपको पूरा बनारस का पूरा फील पता चलेगा. तो हां, तो वर्जिन भास्कर उसके लिए है बनारस की बनारसी लड़का फर्स्ट टाइम बन रहा है. सोच बचे हैं एडिट सोच काफी बनेगा लेकिन इस तरह का फर्स्ट टाइम बन रहा है डिजिटल स्पेस में. फिल्म तो आई नहीं है अब तक. एक फिल्म आने की ट्रैक है बहुत बढ़िया जो की ब्रेक हो गई हम बोल सकते हैं. इस तरह की फिल्म मुझे ट्रेलर को देख के इसी तरह का ट्रेलर उसका भी था सेम. अच्छा आई थिंक द एडवांटेज ऑफ वेब प्लेटफॉर्म इज दैट हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं विद स्क्रिप्ट्स एंड एज एन ऑडियंस ऑल्सो एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ रहा है. और जो एक बड़ी स्टीरियोटाइपिकल इमेजेस होती थी वो ब्रेक हो रही हैं. You know, thanks to actors like Ayushman Khurana, who are signing characters and scripts like, and audience is liking it. It's becoming a huge hit. So, ये सब sign है कि audience अलग तरह का content देखना चाहती है. तो और web एक बहुत अच्छा platform है जहाँ पे कि कई सारी चीजें, especially alt, कई सारी चीजों में experiment alt ने किया है. So, people are basically liking the concepts. उनको अभी वो फिल्मी रोमांस वैसे टाइप नहीं है. दे वांट वेरी एवरीथिंग या द रियलनेस एंड दे रिलेट विद द रियलिटी ऑफ लाइक यू नो आप उन्हें देखना चाहोगे जिनसे आप रिलेट कर सको. तो ये एक बड़ा और वर्जिन भास्कर भी एक बड़ा रिलेटेबल कैरेक्टर है. और इनफैक्ट वर्जिन भास्कर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बड़े आपके आसपास आप कहीं पर भी ढूंढ लेंगे. आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपका प्यार, आपके लैंडलॉर्ड, आपकी सोसाइटी जिस तरह रिएक्ट करती है कई सारी चीज़ों पे, और कैसे कभी कभी सोसाइटी इन अ वेरी अनसेड वे आप पे प्रेशर क्रिएट कर देती है किसी ना किसी बात का. तो उसी पूरे प्रेशर से निकलती हुई ये स्टोरी है और ये कैरेक्टर है. एंड आल्सो वेब सीरीज का फायदा ये होता है कि यू आर नॉट स्टिक टू बाउंड्रीज. आपको कोई मतलब यू आर नॉट स्टिक टू स्लॉट और एनीथिंग. आपको जब मर्जी आप तब देख सकते हो. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. That's why people are liking more of web series rather than preferring going to TV. इसके पहले क्योंकि आपने नागिन किया था, काफी appreciate किया लोगों ने. तो उसके बाद में ये शो करना, कुछ बातचीत हुई रहेगी family में तो क्या था? क्योंकि normally family मना करती है इस तरह का शो करने के लिए. तो क्या कहते इस तरह का मतलब तो नहीं इसमें इस तरह का ज्यादा कुछ नहीं है. ट्रेलर को देख के जो लग रहा है काफी एडेंट लग रहा है इसलिए पूछे. नहीं सी एज विधि मैं बताऊंगी ये जो ट्रेलर आपको लगा कि थोड़ा सा बोल्ड हो सकता है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट लुक्स. अगर आप पूरा स्टार्ट को लेके एंड तक देखोगे ना इट्स बेसिकली अ लव स्टोरी ऑफ विधि एंड भास्कर.
I consider it as a love story. Yeah, me too. क्योंकि उसमें चार parallel stories जा रही होती, like this Mishra and Erica, उसको फिर इनकी लड़की से प्यार हो जाता है, and this Deepthi and Gaurav and Rohan and Bhavi. तो every time it's happening कि the lust is overpowering love. तो वो नहीं होना चाहिए. But विधियत भास्कर अलग इसलिए है कि भास्कर virgin है, उसके बावजूद भी विधि loves him. विधि के पीछे बस बहुत सारे लड़के उसके पीछे हैं, but still उसको भास्कर पसंद आया. तो love story वैसे जा रही है, तो ये love story है, ये वैसा वैसा नहीं है. And family की बात आप कर रहे हो, तो family yeah, so I'm from a TV background, I'm a TV actor, मैंने चार shows किए. तो उसके बाद it was really difficult जब मुझे पहली बार call आया. तो उसने मुझे बोला, मतलब साक्षात, he's our co-director, he just told me, will you like to audition, कि तुम ना एक character में बहुत अच्छा जा रही हो, तुम बस audition दे दो उसका. बट थोड़ा सा bold है यार, मतलब bold मतलब एक तो scenes है, romantic scenes है, और actually आप देखोगे ना तो आपको scenes अच्छे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. तो मैंने मम्मी को phone किया कि will you be fine अगर मैं करूँगी तो. So she said, हाँ ओके, ऐसा कोई नहीं है, आजकल तो सब करते हैं, और दिस इज लाइक फैक्ट, दिस इज रियलिटी, एंड यू शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ योर ओन बॉडी, इट्स ओके. थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ कर देता हूं. मैं चाहूंगा कि ऑडियंस शो को देखे और खुद ही कैरेक्टर्स को समझे, पर हाँ, पर टॉकिंग अबाउट भास्कर, द टाइटल सेज अ लॉट ऑफ इट कि भास्कर है. बट मोर देन वर्जिनिटी, आई थिंक जितनी परेशानी भास्कर को अपनी वर्जिनिटी से नहीं है, उतनी ज़्यादा लोगों को है, उसके दोस्तों को है. आई थिंक उसके सराउंडिंग ही उसकी लाइफ में जो ट्रबल लाते हैं इज अ कॉमेडी. सो द एंटायर शो जो है वो बड़ा ही आयरॉनिक इसलिए है कि भास्कर अपनी लाइफ से बड़ा सुखी आदमी है, पर जो उसके आसपास जो दोस्त हैं, जो उसका बेस्ट फ्रेंड बना है मिश्रा, और उसके जो आसपास के जितने लोग हैं वो सब उसको पोक करते रहते हैं. पर लेकिन वहीं पे ही भास्कर का एक साइड है जो कि मजबूर करता है, उसकी पॉकेट मनी के लिए वो एक किताब लिखना शुरू करता है, और वहाँ पे वो आउट ऑफ इमेजिनेशन और बड़ी वेग इमेजिनेशन करने लगता है, वो किताबें लिखता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है उसमें. लेकिन जब उसे विधि से प्यार होता है, वो इस आइडेंटिटी को बताता नहीं, और जब विधि को पता चलता है तो उसको लगता है शायद ये आदमी मुझसे वो आदमी मुझसे कुछ छुपा रहा है, और इस वजह से जो जिस ट्रबल से भास्कर गुजरता है, दैट्स द एंटायर ये पृष्ठभूमि है, रादर देन एनीथिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट. बट एक प्यारी सी लव स्टोरी है पूरे शो में, और भास्कर एक बड़ा ही प्यारा सा कैरेक्टर है. एंड या विधि का कैरेक्टर जो है वो विधि पांडे का है. तो विधि पांडे बहुत दबंग, हां दबंग समझ सकते हैं. विधि पांडे मतलब यहां भास्कर गर्लफ्रेंड है रिलेशनशिप में, और ये बॉयफ्रेंड है. तो विधि समवन वो पहले अप्रोच करेगी, मतलब भास्कर को चलना क्या यार, थोड़ा मतलब एक जो होता है ना पुश, जो लड़कों को इनिशिएट करना चाहिए, नए जमाने की सशक्त महिला है. तो विधि हमेशा हर जगह पे करती है इनिशिएट, एंड शी इज लिटिल इंपल्सिव. वो मतलब हर एक डिसीजन, मतलब वेरी, शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और डिसीजन मेकिंग में जरा भी डिले नहीं करती. शी जस्ट एंड शी इज वेरी गट्सी आल्सो, पूरी फियरलेस. मतलब जो लोग बोलते हैं ना दमन, तो वही है. तो अगर जब भास्कर से मिलेगी ना, पूरा ताव में मिलेगी, क्या क्या चाहिए तुमको, तो दैट्स हाउ शी इज. जैसे शो ऑफर हुआ था, तो उस क्या माइंड में चल रहा था कि ऐसी कौन सी चीज दिल को छू गई, जब तक क्योंकि जब तक हमें पसंद ना आए कोई चीज को हम करना नहीं चाहते हैं, तो इसमें स्क्रिप्ट में क्या चीज लगी कि हाँ मुझे करना चाहिए. सो आई रिमेंबर बहुत लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2 years ago नाउ, 2 साल हो गए उस बात को. और जब ये मेरे पास एज अ स्क्रिप्ट आई फ्रॉम मनीष, हु इज द राइटर ऑफ द शो, and Rashmi, who is the co-producer of the show. So she and Manish said ki hamare paas ek script hai, aapko test ke liye uske liye aana hai. To unhone mujhe script bheji, and from the first word go, maine jaise use padha, it did not even take me like 2 minutes to relate with that character, because wo itna itni mazedar tarah se likha hua tha ki koi doubt hi nahi tha. Aur koi bhi character jisse main relate kar jata hu, mujhe lagta hai ki jin audience ke liye main kaam karta hu wo relate kar payenge. तो उसमें कोई परेशानी मुझे, मैंने पढ़ा उसे और मुझे लगा कि ये मैं करना चाहता हूँ, और दिस इज समथिंग दैट आई वुड लव टू डू, और वो हुआ भी इवेंचुअली. नाउ प्रोडक्ट आप सबके सामने ही है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं थी उसमें, कोई सोचना नहीं था. और ऐसे किरदार बहुत कम ही होते हैं, अदरवाइज होता है कि आपके पास स्क्रिप्ट आती हैं तो आप बहुत सोचते हैं यार करें ना करें ये वो, बट कुछ कैरेक्टर्स होते हैं आप पढ़ते हो और आपको लगता है ये आप करना चाहते हो, ये आपको करना चाहिए. So it was very intuitively, जैसी वो स्क्रिप्ट आई उसे पढ़ा, there was no doubts, rather I was like कि ये कैसे भी करके मुझे करना है. I want to do this.
मुझे तो दूसरी बार सोचना ही नहीं पड़ा बिकॉज इट्स फ्रॉम ऑल बालाजी प्लस एकता मैम एंड मेरे लिए बहुत बड़ा लॉन्च और बहुत बड़ा बिग ब्रेक था. एंड ऊपर से संगीता मैम आर डायरेक्टर ही वाज डायरेक्टिंग एंड मैंने उनसे सब पहले से काम किया था. या शी वाज शी वाज डायरेक्टिंग. सो मुझे बस दूसरा कुछ ऑप्शन आया ही नहीं. मुझे लगा कि ऑफ कोर्स बिकॉज आई ट्रस्ट हर मोर देन एनीवन एल्स एकता मैम क्योंकि मैंने नागिन किया था. आई नो अबाउट बालाजी एंड एवरीथिंग तो दे आर वेरी ट्रस्टवर्थी. आई नो जस्ट ए बालाजी है तो है या हां हां ओके ओके. सो एंड ऊपर से प्लस पॉइंट ये था कि जब विधि पांडे का जब कैरेक्टर मुझे ब्रीफ किया गया और मैंने जब ऑडिशन किया मैंने ऑडिशन करके बस भेज दिया था. और मैंने जब सर मतलब राइटर आई जस्ट आस्क्ड हिम कि सर और क्या चाहिए व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली कैरेक्टर में हो रहा है नहीं हो रहा है. तो ये जैसे तुम्हारी ना प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारी शक्ल विधि पांडे से बहुत ज़्यादा मिलती मतलब इन हिज है जो उन्होंने इमेजिन किया था तुम्हारी शक्ल विधि पांडे से बहुत मिलती है तुम थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लोगे ना चल जाएगा. तो मैंने ओके तो विधि पांडे इतनी डिफरेंट है मुझे बहुत मजा आ गया करके मतलब वेरी चैलेंजिंग. आई लव द कैरेक्टर. आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि जितने भी हम लोग जिन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं उनको अपने कैरेक्टर से बहुत प्यार था. तो ये और ये बहुत जरूरी होता है कैरेक्टर के लिए टू एम्पथाइज विद योर ओन कैरेक्टर. सो दैट वर्क इन अ वे एंड वी आर एबल टू ब्रॉट दोज कैरेक्टर्स अलाइव एंड दैट्स व्हाट आई हैव द काइंड ऑफ फीडबैक दैट आई एम गेटिंग थ्रू ट्रेलर कि सब लोग लग रहे हैं जो जो जहाँ के हैं. मतलब तुम भास्कर लग रहे हो वो विधि लग रही है वो मिश्रा लग रहा है. So I think that's a positive casting feedback. Yeah, that's a positive feedback. किस तरह का experience रहा वो लोग का? कितना fun? मजेदार. अच्छा था. But it's very hard to we bonded because हम लोगों ने एक तो इतना इतना थोड़ा कम time था हमें shoot करने के लिए और हम लोग पूरा दिन shoot करते थे और different locations पे. तो और बनारस इतनी मजेदार जगह है कि it accepts you pretty well. I mean एक दो दिन बाद ऐसा लगा जैसे हम यहाँ पे कब से रह रहे हैं. इट जस्ट दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है वहाँ पे बिकॉज लोग इतने घुलने मिलने वाले हैं ना हर चाय के स्टॉल पे या फिर हर कहीं खाने के स्टॉल पे दस लोग आपसे सही कई सारी पर्सनल बातें भी पूछ लेंगे. मतलब देयर इज नो बाउंड्रीज एज सच. बड़े खुले मिजाज के लोग हैं. तो आई थिंक पूरा मजा राइट फ्रॉम खाना टू वर्किंग टू द घाट्स. ऐसा अगर शूटिंग नहीं हो रही है तो घाट पर पहुँच जाओ. आई रिमेंबर मैं कॉल टाइम से आधा आधा घंटा या फिर 15 मिनट पहले पहुँचता था बिकॉज सो दैट आई कैन टेक अ वॉक एट द घाट्स. उसके बाद आराम से बैठे हम लोग बैकअप के बाद कहीं वॉक पे चले जाए रात पे. मतलब 80% ऑफ द सीन्स इसके होते थे. हां मैं मिश्रा और रोहन वी यूज्ड टू जस्ट रोम अराउंड. मेरे तो सीन्स होते थे 2-3 घंटे में. हां बैकअप. सो अच्छा ऑफ स्क्रीन कुछ बनारस की कुछ यादें हमसे शेयर कर सकते हैं या फन मोमेंट्स क्योंकि काफी सुंदर है बनारस. आई थिंक हमारे लिए वो फन था इसके लिए ट्रैजिक था क्योंकि हमने बहुत मजाक किया है इस पर और नो विच इज़ वाई बिकॉज शी इज सो स्वीट एंड आई स्टिल रिमेंबर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. हम लोग ऑफिस में मिले रीडिंग के लिए स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए एंड ये बहुत ही डेडिकेशन के साथ आई थी एंड देन और ये सब पे बिलीव कर रही थी कि दिस इज जस्ट परफेक्ट एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग. और तो वो जो नाइविटी थी आई थिंक एवरीबॉडी गॉट इट कि ये बहुत नाइव है ये बहुत ही भोली है एंड देन अब तो मज़े लेने बनता है. तो जितने प्रैंक्स इस पे किए गए मुझे नहीं लगता और किसी पे किए गए बट वो बहुत बड़े फ्लॉप हुए हैं. तो ये इसने बाद में सोचा कि नहीं अब मैं भी प्रैंक्स करूंगी बट तब तक सबने सोचा कि नहीं अब छोड़ो इसे. कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा. I think so what happened is Sangeeta ma'am, who's the director, Sakshat, who's the assistant director, three of us and hum teeno ne decide kiya ki main isko thoda sa attitude dunga. मतलब मैं इससे वो मैं इससे बात नहीं करूँगा और फिर मैं सेट पे जाऊँ. एंड देन दिस केमिस्ट्री स्टार्टेड हैपनिंग ऑन द सेट्स. हम लोग उससे पहले रीडिंग में भी मिलते थे ये सब होता सारी तरह की बात होती थी. बट सर मैं सेट पे जाके अपने को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया और हम लोग इसको ऐसा हाँ बहुत प्रोफेशनल. आई यूज़ टू एक्ट लाइक कि भाई हु आर यू. और ये हमेशा आके पूछती थी कुछ हुआ क्या मैंने कुछ किया क्या. और हम लोग ये सब करके और मैं उसे फिर भी एटीट्यूड देता था और मैं और हम लोग डायरेक्टर सब लोग वापस बाद में मिलते थे और बोलते थे यार आज बहुत मजा आया वो बहुत डर रही है वो बहुत कर रही है. और ये फिर डायरेक्टर मैम के पास जाती थी लगता है वो मुझसे नाराज है लगता है वो मुझे मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. बट
But then later on we all kind of be like. You know, मेरे मुझे बहुत रैग. कि हमें हमें रैगिंग करनी थी तुम्हारी तो जो कॉलेज में नहीं की वो हम सेट्स पे कर रहे थे. But I think it was a nice ice breaker and we accepted each other the way we are. I mean, आपने बहुत कुछ कही दिया उसमें कि यहाँ पे ऑडियंस किसी के फेवर में नहीं है. द ओनली फेवर दैट दे टेक इज द स्क्रिप्ट. आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज भी जिनके सीजन टू आया वो अच्छा काम नहीं किया एंड दे आर बिग फ्लॉप. उनके ऊपर मीम्स बन गए. मतलब ऑडियंस पे मजाक उड़ाने में भी ऑडियंस पे मजाक उड़ाने में भी बहुत ब्रूटल हो जाती है फिर कभी कभी. लेकिन तो इसीलिए आई थिंक वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फॉलोइंग सिर्फ कंटेंट को लेके है, स्क्रिप्ट को लेके. अगर आपका शो अच्छा है तो वो चलेगा इररिस्पेक्टिव कि कौन सी कास्ट सपोर्ट कर रही है. और ये बहुत अच्छा चेंज है फॉर एक्टर्स एंड राइटर्स एंड डायरेक्टर फिल्म मेकर्स एज वेल कि बीट फिल्म्स और वेब सीरीज ऑडियंस जो है वो कंटेंट को ही पसंद करिए. अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है तो वो इररिस्पेक्टिव आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी फॉलोइंग कितनी है, कि आप कितने बड़े स्टार हैं, कितने न्यू कमर हैं, इट डजंट मैटर. एंड दे जस्ट लाइक यू फॉर द कंटेंट एंड द कैरेक्टर एंड द ऑनेस्टी ऑफ परफॉर्मेंस दैट यू ब्रिंग इन द शो. और जो मुझे लगता है कि जैसे टेलीविजन हो गया, फिल्म्स हो गया, वो कहीं ना कहीं या तो रीजनल या कंट्री बाउंड होती हैं. बट द मोमेंट यू आर इन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म यू आर कंपेयर्ड ग्लोबली. देन यू नो आपका कंपटीशन शायद एक अमेरिका की वेब सीरीज से भी हो सकता है क्योंकि बिकॉज इट्स ऑल अबाउट व्यूअरशिप. And so yeah, and especially talking about Alt, which is a homegrown OTT and doing so well, so it's a result ki audience sirf content ko samajh rahi hai. And then you know, aapko bhi samajh mein aata hai ki aapki domestic audience ko kya chahiye aur wo kya pasand kar rahi hai. 17th ya 2 din ke baad mein dekha jo on air ho jayega. Kya main kya chal raha hai kyunki is years mein start kiya hum bol sakte hain complete ho chuka hai. Aap kya I'm excited and nervous. Really, because ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सभी के लिए एज एन एक्टर. और हम सब ने बहुत मेहनत की है. लाइक वी ट्राई टू बी एज सिंसियर एज वी कुड फॉर द टू प्ले दिस कैरेक्टर, बीट भास्कर, बीट विधि. और सभी ने ना बड़ी शिद्दत के साथ लिखा है, बनाया है. लाइक राइटर्स बड़े इमोशनली स्क्रिप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर्स बड़े इमोशनली. तो जहाँ पे इमोशनल बॉन्ड हो जाते हैं ना तो वहाँ पे आप ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हो. मोर देन पोजेसिव, यू बिकम मोर सेंसिटिव अबाउट अ सब्जेक्ट. तो ये हम सभी लोग बड़े सेंसिटिव हैं इस चीज़ को लेकर. सो विच इज़ वाई आई एम एंशियस, नर्वस एंड एक्साइटेड ऑल एट द सेम टाइम. सो दे आर लाइक टू मेनी इमोशंस. इनिशियली मुझे लगता था ये सिर्फ मेरे साथ है कि मुझे इतना एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, बट ये हर एक इंसान, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सबके लिए ना इट्स लाइक दिस शो इज लाइक आवर बेबी. मतलब बहुत हमें बहुत प्यार है शो से. बस ये है कि अच्छे से सक्सेस हो जाए. और या आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत खुश भी हो जा रही हूँ, लेकिन अंदर बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा. तो लाइक दोनों चीजें चल रही है. Well, I hope so, yeah, season 2. Well, I hope season 2 aaye and then audience, agar audience ise pasand karegi, so definitely season 2 aayega. And haan, hum log purposely jahan pe story, jahan pe khatam ho rahi hai,
वहाँ से शुरुआत की पूरी चांसेस हैं. तो अगर ऑडियंस ने इसे पसंद किया तो डेफिनेटली सीजन टू क्या सीजन कई सारे सीजन आएंगे. फाइनली क्या बोलना चाहेंगे वॉच वर्जन भास्कर ऑन 19th नवंबर ओनली ऑन ऑल बालाजी एंड Z5. यस दैट्स व्हाट वी बड़े बड़े प्यार से बनाया हुआ एक शो है तो एक बार ही मौका जरूर दें. देख लेना. Can I have a bottle of water, please? Forget it. Okay, अच्छा ना. अच्छा ना. ठीक है. उसे इरेज़ कर दो.